सीरीज में आज हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स की। मूड का मतलब होता है मन, कि मन में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आमतौर पे आपका मन है, मेरा मन है, कभी भी वो स्थायी नहीं रहता। हम खुश भी रहते हैं, हम उदास भी रहते हैं, परेशान भी होते हैं, घबराते भी हैं और डरते भी हैं। तो साइकेट्रिस्ट को कैसे ये पता लगता है कि उसका मन उदास, पेशेंट का मन उदास है या इतना ज़्यादा खुश है कि उसे इलाज कराने की ज़रूरत है। ओवरऑल मूड डिसऑर्डर्स में मैं आपको कुछ अगर नाम गिनाऊँ तो मूड डिसऑर्डर्स को दो मोटे मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक बाइपोलर डिसऑर्डर और एक यूनिपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का बाइपोलर क्यों बोलते हैं? बाइपोलर मतलब दो पोल्स। जैसे पेशेंट हाई में चला गया तो उसको बोलते हैं हम मेनिया, या हिंदी में बोलेंगे तेजी। या पेशेंट लो में चला गया जिसको हम बोलेंगे डिप्रेशन या उदासी। तो अगर पेशेंट हाई में जाता है और उसके बाद वो लो में भी जाता है तो इसको बोलते हैं बाइपोलर। और इसके कई वैरायटीज़ होते हैं जिसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। उसके बाद होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब है सिर्फ जो पेशेंट है, मान लीजिए ये एक बेस लाइन है, वो सिर्फ नीचे जाता है, तो दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन या उदासी। आमतौर पर एक आम इंसान भी ऐसे ऐसे वेव्स में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट जो मूड डिसऑर्डर वाला पेशेंट है उसकी वेव्स काफ़ी नीचे होंगी तो हम उदासी बोलेंगे, थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर होंगी तो हम बोलेंगे मेनिया। तो मोटे मोटे तौर पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बाइपोलर डिसऑर्डर और दूसरा एक यूनिपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फर्दर थ्री फोर डिविजन्स हो सकती हैं, जिसको बोलते हैं बाइपोलर वन। बाइपोलर वन में क्या होता है, पेशेंट को है मेनिया, मेनिया के अपने सात लक्षण हैं जो अलग से एक प्रेजेंटेशन होगी तो आई लेट यू नो। तो मेनिया में क्या है, एक सेम पेशेंट ही मेनिया में जा रहा है। मान लीजिए मार्च का महीना है, मार्च के महीने में पेशेंट तेजी में चला गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, बहुत कुछ बोलने लगा, नए प्लान्स बनाने लगा जो कि सही नहीं है, और घर वाले भी ये समझते हैं बट पेशेंट इस बात को नहीं समझता है। और उसके 2-3 महीने में वो ठीक हो गया, इलाज से या अपने आप कैसे भी। तो मार्च में वो बीमार हुआ, मई तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने वो बिल्कुल ठीक है। इवन एज ए साइकेट्रिस्ट अगर मैं उससे मिलता हूँ मेट्रो में या किसी शादी में तो मैं भी पता नहीं लगा सकता कि उसको कोई प्रॉब्लम थी या नहीं। बट मान लीजिए सितंबर में अब वो चला गया डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में क्या होगा, एक तो उस टाइम था वो ओवर कॉन्फिडेंट, खुश, नींद कम आना, बातें बहुत ज़्यादा करना। लो फेज में क्या होगा, रोना, किसी चीज़ में मन ना लगना, उदास रहना, कुछ काम करने में इच्छा ना होना, ठीक से नींद ना आना, भूख ना लगना, एंड सो ऑन। सो सेम ही पेशेंट में साल के दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लक्षण आ रहे हैं, कभी वो हाई में जा रहा है, कभी वो लो में। तो ऐसे मरीज को हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक बाइपोलर वन और एक बाइपोलर टू। बाइपोलर वन का आइडिया तो ज़्यादातर फिजिशियंस को और कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी होता है जिनके पेशेंट्स होते हैं। बाइपोलर वन तो बहुत सिंपल है, पेशेंट को मेनिया हुआ, तेजी में आया और डिप्रेशन में गया। बाइपोलर टू स्लाइटली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मुश्किल है डायग्नोस करने का, यूजली साइकेट्रिस्ट ही इनको पकड़ पाते हैं। बाइपोलर टू में क्या होता है, पेशेंट को डिप्रेशन तो फुल होता है, पूरी उदासी, किसी चीज़ में मन ना लगना, रोना, मरने के ख्याल, बट बीच बीच में पेशेंट हाई में जाता है, बट इतने ज़्यादा हाई में नहीं जाता कि घर वालों को ये महसूस हो सके कि ये बीमार है। पेशेंट को बहुत मज़ा आता है, बट इसको कभी ये मत समझिए कि बाइपोलर टू किसी भी एंगल से बाइपोलर वन से कहीं छोटी बीमारी है। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए किसी को मेनिया होता है और वो बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे में बहुत ताकत है, शक्ति है, तो कोई भी बोलेगा कि मानसिक तौर पे अब इनका जो है हालत ठीक नहीं है, तो हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है और जल्दी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। जबकि बाइपोलर टू में क्या होगा, पेशेंट थोड़ा ज़्यादा खुश रहेगा, थोड़ा कम सोएगा बट बहुत फ्रेश रहेगा, नए नए प्लान्स बनाएगा। अचानक घर वालों को अब रियलाइज़ होता है कि शाम को वो नॉर्मल था, सुबह ऑफिस गया, शाम को नई गाड़ी में वापस आ गया। तब लोगों को लगता है कि ये क्या हुआ, अचानक इतने लाखों का डिसीजन इसने ऐसे ही ले लिया बिना पूछे। अचानक घर वालों को पता लगा उसने कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली कुछ लाखों की जबकि उसकी कीमत उतनी नहीं थी, या उसने कुछ ऐसा बेच दिया जो नहीं करना चाहिए था, या बिजनेस में ऐसी पार्टनरशिप या डील्स कर ली जो घर वालों को शुरू में तो लगा कि आजकल ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली दे हैड ए ग्रेट लॉस। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है उस हाइपोमेनिया मतलब कम तेज़ी, उस कम तेज़ी से जब वो नॉर्मल में आता है तो घर वालों को रियलाइज़ होता है कि ओहो ये तो बीमारी का ही हिस्सा था। जब वो डॉक्टर से मिलते हैं या बताते हैं या बात करते हैं तभी वो पता लग पाता है। तो बाइपोलर वन में होती है तेज़ी और उदासी, अच्छी खासी तेज़ी और अच्छी खासी उदासी। बाइपोलर टू में उदासी तो पूरी होती है
बट हाइपोमेनिया होता है या कम तेजी होती है, इसलिए हम उसको बाइपोलर टू बोलते हैं। बाइपोलर टू को भी डायग्नोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ क्योंकि दवाइयों में कुछ फ़र्क आता है, जो सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट के अलावा एक और दवाई भी उनको देनी पड़ेगी। इसी कड़ी में बाइपोलर की एक और बीमारी आती है जिसको बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। अगर आप अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस को याद करें तो हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट करती है, जब वो तो गर्मियाँ आती हैं, जब सन से थोड़ा दूर होती है तो सर्दियाँ आती हैं। तो जैसे जैसे जो इक्वेटर होता है अर्थ के बीचों बीच, जो लाइन अगर आप खींचेंगे या सर्कल खींचेंगे, जितना हम उससे दूर चले जाते हैं दिन और रात में फ़र्क आ जाता है। जैसे केरला में ये फ़र्क ना के बराबर होगा, दिल्ली में ये फ़र्क 1-1.5 घंटे का होगा, यूरोप में ये फ़र्क 3-4 घंटे का होगा, मॉस्को में हो सकता है 5-6 घंटे का भी फ़र्क हो, कि शाम को सर्दियों में 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा और गर्मियों में रात के 10-10 बजे तक धूप रहती है। जैसे हम लोग अपनी घड़ियाँ रेडियो से मिलाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो धूप से घड़ी मिलाता है। हाइपोथैलेमस करके एक ऑर्गन होता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स की या न्यूरो केमिकल्स की सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है। तो जिन दिनों धूप ज़्यादा आती है, जो मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनमें वो केमिकल बढ़ जाते हैं, और जिन दिनों धूप कम होती है वो मूड डिसऑर्डर वाले केमिकल कम हो जाते हैं। आप याद कीजिए कि जैसे लगातार 3-4 दिन अगर बारिश होती है तो हमारा मन करता है कब धूप आएगी, कब बात बनेगी, बड़ा दुखी दुखी सा हो जाता है। तो नॉर्मल लोगों में भी ये फ़र्क आता है, बट जो मूड डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं उनमें ऐसा ज़्यादा होता है। बाइपोलर वाला पेशेंट तो कभी भी मेनिया में जा सकता है, कभी भी डिप्रेशन में, बट इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजन मतलब मौसम या ऋतु के हिसाब से, इफेक्टिव मतलब मूड, डिसऑर्डर मतलब बीमारी। तो आमतौर पे अगर हम नॉर्थ स्फीयर और हेमिस्फीयर में रहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, इंडिया है, तो बड़ा सिंपल तरीका होता है पेशेंट को समझाने का, कि जिन दिनों होली होती है मरीज तेजी में जा सकता है, और जिन दिनों दिवाली होती है मरीज डिप्रेशन में जा सकता है। क्यों? होली दिवाली से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि जब होली होती है तो धूप बढ़नी शुरू होती है, मौसम बदलने लगता है, और जब डिप्रेशन आता है, दिवाली आती है, तब भी मौसम बदलने लगता है, तो आदमी लो में चला जाता है। तो इसको बोलते हैं सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। बल्कि फॉरेन में तो ये भी देखा गया है, इवन इंडिया में भी ऐसा किया जा सकता है, कि जब अगर डिप्रेशन में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर है तो एक पर्टिकुलर काइंड की लाइट होती है जिससे 1 घंटे के लिए अगर पेशेंट को एक्सपोज किया जाए तो उसका डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। मेनिया के लिए तो ऐसा नहीं होता, बट डिप्रेशन के लिए तो लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं धूप खानी चाहिए। तो दैट इज समथिंग, एक्चुअली इट इज इम्पॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम वाइटामिन डी जो एड्स में भी आता है। देन एक चौथी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ऐसे ऐसे पैडल्स मारते हैं, या ऋतुएं बदलती हैं वो भी साइकिल्स में बदलती हैं, कि दिन है तो रात होगा, सर्दी है तो गर्मी होगी, बारिश होगी, एंड इस दिस एंड दैट। तो साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, जैसे आम आदमी भी ऐसे ऐसे है, आम आदमी भी एक सीधी लाइन नहीं है, मेरा अपना मन भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। मतलब जो साइक्लोथाइमिया वाला है ना, वो कभी इतनी तेजी में जाता है कि उसको हम बोलेंगे मेनिया है, ना वो कितना कभी लो में जाता है कि हम उसको बोलेंगे डिप्रेशन है, बट वो स्टेबल भी नहीं होता, वो स्थायी भी नहीं होता। खासकर एक वर्ड जिसको बोलते हैं मूडी, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में आसपास जिनकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, वो स्टेबल ही नहीं रहते हैं। जैसे 10-15 दिन के लिए वो खुश हो जाएंगे जबकि कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, फिर 2-3 महीने का टाइम आएगा जब वो लो हो जाएंगे, क्योंकि यूजली जो लो वाला पीरियड है वो थोड़ा लंबा होता है हाई के मुकाबले। तो 2-3 महीने के लिए वो दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को रिश्ते निभाना, नौकरी निभाना, काम काज निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके मूड्स के हिसाब से, जैसे उनके मूड्स होंगे उस हिसाब से वो काम करेंगे, इसलिए डाइवोर्स रेट, जॉब लॉसेस। कितने सारे मैंने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके किसी घर वालों को मैंने ट्रीट किया और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इसको भी देखिए, ये बार बार नौकरी छोड़ देता है। जब उसे डिटेल में बात की तो पता लगा कि उसको साइक्लोथाइमिया था और उसको लगा कि ये मेरा स्वभाव ही है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे तेजी को डायग्नोज करने के लिए मात्र 7 दिन चाहिए होते हैं, डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए मात्र 2 हफ्ते चाहिए होते हैं, बट साइक्लोथाइमिया को डायग्नोज करने के लिए 2 साल चाहिए होते हैं। जब कोई चीज़ इतने सालों से हो रही है तो हमें लगता ही नहीं है कि वो बीमारी है, हमें लगता है वो हमारा ही हिस्सा है, हम वही हैं, जबकि वो एक बीमारी है जिसे ट्रीट किया जा सकता है अगर उसका इलाज किया जाए। तो ये दोस्तों था सब कुछ बाइपोलर के बारे में।